हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पुर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज मैं डिस्कस करूंगा टॉप 7 BCA एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा इस एग्जाम को कौन सी बॉडी कंडक्ट करवा रही है, एग्जाम डेट कब है, यानी कि एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन का लास्ट डेट कब है, इसके अलावा एप्लीकेशन की फीस क्या है, साथ में डिस्कस करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तब बिना किसी देरी के जानते हैं टॉप 7 BCA एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, डेट इज CUET, डेट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर आता है, NPG का अलग होता है। तो BCA अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो वो UG के अंदर आएगा, राइट। इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है डेट इज NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एंड इसका लास्ट डेट हो चुका है ओवर। एंड एग्जाम डेट की बात करूं तो 21 मई से लेकर के 31 मई के बीच में एग्जाम होने वाला है, राइट। एलिजिबिलिटी ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है, फिक्स नहीं एलिजिबिलिटी, क्योंकि जो आपका CUET एग्जाम है वो सिर्फ आपका एक स्कोर देगा कि आपका ये रैंक इस CUET में, ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है। अब जो जो यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, CUET के रैंक के बेसिस पे एडमिशन ले रही हैं, उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। वैसे इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे कि हमें चाहिए उस यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, तो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो। फीस की बात करें तो 750 रुपये फीस लगते हैं। नाउ कम टू सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम, डेट इज IPU। ये बहुत ही फेमस एग्जाम है फॉर BCA। अगर CUET के बाद देखा जाए तो सबसे अधिक बच्चे इसी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज है। इसका जो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का है वो है 30 अप्रैल। जो लोग नहीं भरे हुए हैं वो लोग जाएं एंड फिल करें। एंड एग्जाम डेट है इसका भैया 18 जून। एंड इफ टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप 12th पास आउट हो, कम से कम 50% मार्क्स हो, विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। एप्लीकेशन फीस की बात करूं डेट इज 1200 रुपए। नाउ कम टू थर्ड एंट्रेंस एग्जाम फॉर BCA, डेट इज UGAT, डेट इज अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको जो कंडक्टिंग बॉडी है डेट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, यानी कि IMA, ठीक है। एंड इस एग्जाम का जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है वो है 28 अप्रैल। एंड एग्जाम डेट की बात करूं तो है वो 6 मई, ठीक है। एंड इफ टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 12th पास आउट हो, 50% मार्क्स हो, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, ठीक है, मैथ हो, बायो हो, कॉमर्स हो, कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। एप्लीकेशन फीस बहुत कम है, डेट इज 750 रुपए, ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है। फोर्थ पे आता है आपका BU MAT, यानी कि भारतीय विद्यापीठ अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है वो भारतीय विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवाती है, जो कि पुणे में है। एंड इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 8 जून है, और इसके 10 दिन बाद ही इसका एग्जाम हो जाएगा। तो आपका 18 जून को इसका एग्जाम है। एलिजिबिलिटी जो है आपका 12th पास आउट होना चाहिए एंड 45% मार्क्स भी है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से हो, नो मैटर व्हाट इज योर स्ट्रीम। एप्लीकेशन फीस भैया 1200 रुपए है, राइट। अब बात करते हैं फिफ्थ का, डेट इज KAIT। तो इसका नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि KAIT यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो एग्जाम है दो फेज में हो रहा है, एक फेज निकल चुका है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, फेज 2 चल रहा है तो फेज 2 की बात करता हूं। तो फेज 2 का जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का वो 5 मई है। तो अभी जो लोग नहीं भरे हुए हैं जाइए एंड फिल करिए, अगर आपकी इच्छा है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। एंड एग्जाम डेट फेज 1 का तो निकल चुका है 14 अप्रैल, ठीक है। एंड फेज 2 की बात करूं तो 14 मई है, बस
एग्जैक्टली एक महीने बाद आपको ये एग्जाम होने वाला है, तो जाइए फॉर्म को फिल करिए इफ यू वांट टू टेक एडमिशन। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th पास आउट एंड 50% मार्क्स विथ मैथमेटिक्स। एंड एप्लीकेशन फीस भैया कुछ भी नहीं है, फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग ट्रायल करना चाहते हैं वो लोग भी भर सकते हैं आसानी से, जाइए एंड भरिए। नाउ कम टू द 6th एंट्रेंस एग्जाम दैट इज पीसेट, दैट इज पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी होलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये आपका पीईएस यूनिवर्सिटी जो है कंडक्टिंग इसकी बॉडी है, तो उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का 8 मई है एंड एग्जाम डेट आपका 17 मई से 4 जून के बीच में होगा, फिक्स नहीं है। ठीक, एलिजिबिलिटी है 12th पास आउट हो, कम से कम 50% आपका मार्क्स हो एंड मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपका ₹1,050 है। राइट, नाउ कम टू द लास्ट एंट्रेंस एग्जाम डेट इज जी सेट, यानी कि जनरल साइंस एडमिशन टेस्ट। ये जो आपका एग्जाम होगा वो गीटम द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसकी 3 ब्रांचेज हैं, एक विशाखापट्टनम में, दूसरा हैदराबाद में, थर्ड इज बेंगलुरु। ठीक, एंड इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की वो अप्रैल में है, लास्ट अप्रैल। एंड एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है, तो उम्मीद करते हैं मई तक हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि हर साल ये मई में कंडक्ट करवाते हैं। राइट, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास आउट हो एंड 50% मार्क्स हो विथ ए मैथ कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड ₹300 आपको फीस भी देनी पड़ेगी। ये रहे टॉप 7 BCA एंट्रेंस एग्जाम इन 2023। राइट, यू कैन टेक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए एडमिशन लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का डाउट्स होता है कि क्या किसी एंट्रेंस के बेस पे हम BCA में एडमिशन ले सकते हैं। तो हाँ, ये 7 एंट्रेंस एग्जाम रहे जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। राइट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल नाउ कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्टडिंग एंड जय हिंद।